बॉलिंग का जिस तरह अभी बाबर भाई बता रहे हैं कि पीएसएल में हमें नजर आ रहा है जिस तरह कॉम्बो बन गया है, शाहीन हारिस और नसीम शाह हसनैन, कल दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मजा आया इन दोनों को देख के। हसनैन तो यार मुझे लग रहा है उमर गुल का कोई किरदार इसमें है, वो उनको ट्रेनिंग अच्छी दे रहे हैं, वरना उनकी बड़ी वो बाहर की बॉल देते थे और फिर उनको कवर लगती थी स्क्वायर कट पे, बड़े लंबे लंबे उनकी पेस होता था तो बैट्समैन बड़ा खुल के मारते थे। कल हसनैन हमारे साथ थे, प्रोग्राम में थे हसनैन, अच्छा, और उनसे यही सवाल किया, इंजी भाई ने भी, इंजी भाई तो नहीं थे मैच था उनका, मुशी भाई ने ये सवाल किया कि इंजरी के बाद अक्सर हमने ये देखा है पेस कम हो जाता है, लाइन लेंथ खराब हो जाती है, आपके साथ अलग हुआ, स्ट्रेट्स उनके हम दिखा देते हैं कि लाइन लेंथ भी अच्छी हो गई, उनका पेस भी अच्छा हो गया, और मेरा ख्याल है 13 रन मेडन ओवर भी दिया, और 16वां ओवर जो सबसे क्रूशियल ओवर था वो मेडन ओवर करके गए हो, ये तो बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त ओवर किया कल, क्या उमर गुल का है इसमें कोच, वो तो कह रहे हैं कि कोच होगा, उमर गुल अपने वक्त में टी20 के टॉप बॉलर रहे हैं, और अभी जब से वो अफगानिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग करके आए ना, उमर गुल की अपनी कोचिंग एक्सपर्टीज में बहुत इजाफा हुआ है, जाहिर सी बात है उन्होंने इनपुट तो दिया होगा उमर गुल, उमर गुल का असर आपको अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप के में भी, कुछ तस्वीरें हमने रखी है शाहीन शाह इन दोनों की, बड़ी जबरदस्त लग रही है, शाहीन की, हारिस की, नसीम की और हसनैन की, कल जिस तरह उन्होंने गले एक जबरदस्त अंदाज में मिले हैं वो हमने तस्वीरें रखी, वो चला सकते हैं अभी हम चलाएंगे, तो ये देखें ये वाली तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त एक, और इन दोनों की वैसे भी ऑफ फील्ड भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी दोस्ती है, और फास्ट बॉलर जब भी देखें हम वकार वसीम की बात करते थे, दोस्ती जरूरी है जोड़ी बनाने के लिए, जोड़ी बनाते तो होता भी क्रिकेट में, यही हम भी खेलते हैं, बिल्कुल एक बॉलर डराता है, ये यही बात कर रहे हैं, देखें ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि यार किस तरह, सेम सिचुएशन है जिस तरह यहाँ पे नसीम और हसनैन की कोऑर्डिनेशन है और दोस्ती है, बिल्कुल सेम हारिस और शाहीन की भी ऐसी दोस्ती है, अगर आप ऑफ द फील्ड भी इनको अगर देखें तो ये अक्सर शाहीन हारिस के साथ दावतें कर रहा होता है, और हारिस भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हाँ दोनों सेम सेम है, और बड़ी अच्छी दोस्ती है इनकी, अक्सर जब इस्लामाबाद में हम कभी गए हुए होते हैं तो या तो हारिस के घर पे शाहीन का दावत हो रही होती अच्छा। है, या शाहीन ने हारिस को बुलाया होता है, इनकी आपस में पार्टियां चलती रहती, बड़ी दोस्ती है, मैं इमेजिन कर रहा हूं बाबर भाई अगर ये चारों एक साथ टीम में हो तो क्या सामने वाली टीम पे कहर बन के टूट जाएंगे, तो बहुत तगड़ा होगा, जबरदस्त मुकाबला होगा, और ये चार फास्ट बॉलर और समझ में आएगा किसको रिस्पेक्ट दें किस पे अटैक करें, कुछ दोस्तियां टीम के लिए नुकसानदेह होती हैं और कुछ फायदेमंद होती है, और ये वाली दोस्तियों का जो कॉम्बो है, अगर सोचें आप इंग्लिश कंडीशन में बॉल कर रहे हो, फिर अगर दूसरी टीमें कहें हमारे पास ये बॉलर है वो बॉलर है, मुझे नहीं लगता कोई भी सामने आ सकता है।